नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलन खमरोई, इंडियन रेलवे मिलन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे देश की अगली वंदे भारत कहाँ लॉन्च होने जा रही है। इससे पहले जो हमारे वंदे भारत लॉन्च हुई है, जो दिल्ली के अजमेर के बीच में लॉन्च हुई है, मतलब राजस्थान की पहली वंदे भारत लॉन्च हो गई है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केरल में एक वंदे भारत सेट पहुँच चुका है और उनका ट्रायल चल रहा है। तो केरल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आखिरकार उनको भी एक वंदे भारत मिल चुकी है। यह वंदे भारत 25 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही है। अब इससे पहले भी एक वंदे भारत लॉन्च होने जा रही है, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि हमारे देश में पिछले हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस की कई सारे रूट डिटेल सामने आई है, लेकिन ये अभी हमारे जानकारी में नहीं है कि ये कब लॉन्च होगी। तो मैं अभी उन रूट को एक एक करके बताने वाला हूँ चैनल पर, जिन ट्रेनों का हमको मालूम है कि इन रूटों पर ट्रेन लॉन्च होने जा रही है और किस दिन लॉन्च होगी। तो अभी हमारे देश की अगली वंदे भारत एक्सप्रेस 25 अप्रैल 2023 को लॉन्च होगी और ये ट्रेन हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत होने जा रही है। यह ट्रेन लॉन्च होगी इंदौर से रीवा के बीच में। अब इसके बारे में पता कैसे लगा, देखिए बहुत जल्दी जल्दी में ये सब कुछ हुआ। हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उनको 25 मार्च 2023 को इंदौर के सांसद जो बीजेपी से है शंकर लालवानी जी ने पत्र लिखकर इंदौर और रीवा के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस करने के लिए आग्रह किया था। और उसमें उन्होंने इंदौर और रीवा के बीच में दो रूट सजेस्ट किए थे, जो इस प्रकार है। पहला रूट है रीवा सतना कटनी सागर बिना और इंदौर, दूसरी रूट है रीवा कटनी जबलपुर इटारसी भोपाल इंदौर। तो सेकेंड रूट जो है भैया भोपाल होकर जा रहा है, लेकिन इसमें किसी एक रूट को ही हरी झंडी मिलेगी। अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से अपडेट आया है, उन्होंने हरी झंडी दे चुकी है और किसी एक रूट पर जरूर चलेगी, ये मेरा मानना है। जिसमें 24 अप्रैल 2023 हमारे पीएम मोदी जी रीवा जब आएंगे तो यहाँ रीवा की यात्रा में के साथ साथ यहाँ के वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पहले रूट पर बताया जो भोपाल होकर जा रही है, नहीं जा रही है, उस रूट पर एक ट्रेन चल रही है जिसका ट्रेन नंबर है 11703। यह ट्रेन रीवा से इंदौर के बीच में 15 घंटे का समय लेती है और वह डिस्टेंस जो तय करती है वो है 809 किलोमीटर। तो यह काफ़ी समय ले लेती है। अगर इस रूट पर ट्रेन लॉन्च होती है तो यहाँ पर काफ़ी समय की कमी आएगी ट्रेवल के लिए, क्योंकि हमारे वंदे भारत जानते ही है कितना अच्छा एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन है, और यहाँ ट्रेन की स्पीड भी अच्छी रहेगी। इस रूट के बारे में जब हमारा मानना है कि भोपाल वाले रूट की बात की जाए तो भैया भोपाल होकर कोई ट्रेन इंदौर और रीवा के बीच में नहीं चलती है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ट्रेन लॉन्च होती है तो डिस्टेंस में कोई बड़ा अंतर नहीं होने वाला, डिस्टेंस 800 प्लस ही रहने वाला है जितना पहले वाले रूट में मैंने बताया। लेकिन यहाँ वंदे भारत लॉन्च होना कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, ये तो यहाँ के लोकल आदमी ही बता पाएंगे। आप लोगों का क्या कहना है, इन रूटों में कौन सा रूट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वंदे भारत के लिए, और यह वंदे भारत यहाँ पर कितना कामयाब रहेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए जी यह वंदे भारत कितना कामयाब होगा और यहाँ की जनता को कितनी सुविधाएं मिलने वाली है और इसकी टॉप स्पीड कितनी हो सकती है, क्योंकि ये एक नया रूट है। तो इस वीडियो में आप लोग वीडियो सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल रहे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।